यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाए सबसे पहले सबसे आगे। इन दिनों लातेहार जिले के महुआडांड प्रखंड में सरकार द्वारा संचालित शराब दुकान से सरकार की निर्धारित राशि से ज्यादा वसूली करने का मामला प्रकाश में आया है। जी हां, एक तरफ सरकार ने फैसला लिया है कि अब शराब की दुकान फिर से ठेकेदारों को सौंप दिया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ अभी से ही लूट की बदबू भी आना शुरू हो गई है, वो भी सरकार के बाजार तले खुलेआम लूट की जा रही है। सिटी न्यूज संवाददाता गोपी सिंह द्वारा कवरेज की गई वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे दुकान में शराब बेचा जा रहा है, वह शख्स बोतल पर दी गई राशि से कैसे ज्यादा पैसे की मांग कर रहा है। क्या सरकार ही अपनी दुकान बंद होने के कारण ज्यादा राशि की लूट कर रही है, या दुकान को संचालन करने वाले लोग सरकार द्वारा तय की गई राशि की अनदेखी कर सरकार को बदनाम करने में तुले हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्पाद विभाग की लापरवाही और मिली भगत के चलते शराब की दुकानों पर मनमानी कीमत वसूली की जा रही है। बता दें कि महुआडांड की इस दुकान पर बिक्री की जा रही बियर का सरकारी रेट 120 रुपया है और दुकानदार 140 रुपया खुलेआम बेच रहा है। मैकडोवेल्स लग्जरी का सरकारी रेट 500 रुपया है और दुकानदार 540 रुपया में बेच रहा है। लाल पाउच का सरकारी रेट 27 रुपया है और दुकानदार 50 रुपए में बेच रहे हैं। इस तरह दुकान में जितनी भी शराब की बिक्री की जा रही है सब पर मनमाने ढंग से पैसा वसूल किया जा रहा है। जरूरत है सरकार व जिला प्रशासन को ऐसे अवैध वसूली करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करने की। गारू से सिटी न्यूज संवाददाता गोपी सिंह की रिपोर्ट। कितना कौन जगह लिखा रहा है? लाल का पाउच है 50 टका 40 50।